यूपी के वाराणसी में मुलायम सिंह यादव के फैन ने कठिन तपस्या शुरू की है। अस्पताल में मौत से लड़ रहे सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव जल्द स्वस्थ हों, इसके लिए उनके एक फैन ने हर दिन 2 किलोमीटर दंडवत करने का संकल्प लिया है। शनिवार को उसने अपने इस अनोखे तपस्या की शुरुआत की है, जिसके बाद BHU से सटे सीर क्षेत्र से वो अपने घर से करीब 2 किलोमीटर तक दंडवत कर मंदिर पहुँच भगवान भोले के साथ माता चौरा देवी से नेताजी के स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना की। इस दंडवत यात्रा के दौरान समाजवादी पार्टी से जुड़े अन्य कार्यकर्ता हाथों में नेताजी की तस्वीर लिए नजर आए। मुलायम सिंह के इस फैन के अनोखे तपस्या की चर्चा पूरे शहर में है। सपा नेता अजय फौजी ने बताया कि धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव बीते कई दिनों से बीमार है, उनकी हालत गंभीर बनी है। इस मुश्किल समय में इलाज के साथ अब दैविक शक्ति ही उन्हें स्वस्थ कर सकती है, जिसके लिए उन्होंने इस कठिन तपस्या की शुरुआत की है। उन्होंने संकल्प लिया है कि जब तक मुलायम सिंह यादव स्वस्थ नहीं हो जाते, तब तक वो हर रोज अपने घर से 2 किलोमीटर तक दंडवत कर भगवान भोले और माता चौरा से उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना करेंगे। बता दें कि मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य को लेकर देश भर में सपा कार्यकर्ता चिंता में हैं और अलग अलग जगहों पर उनके लिए पूजा अनुष्ठान और प्रार्थनाओं का दौर जारी है। ऐसा है, धरती पुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव नेता कई दिनों से स्वस्थ चल रहे हैं। आज से मैं प्रण दिया हूँ कि मेरे घर से 1.5-2 किलोमीटर दूर चौरा माता का मंदिर है, बहुत प्राचीन मंदिर है। मैं यहाँ डेली आऊँगा जब तक नेताजी स्वस्थ ना हो जाए, और दंडवत करते हुए मैं डेली आऊँगा, क्योंकि नेताजी कृपया घाट से आए थे तो मैं बहुत छोटा सा बच्चा था। उन्होंने मुझे गोदी में बैठा कर समाजवादी पार्टी का सदस्य बनाया था। उनके लिए मैं जीता भी हूँ और उनके लिए मैं मर भी सकता हूँ। अगर नेताजी का आदेश हो तो मैं लिखित आज अपनी पूरी शरीर मुलायम सिंह यादव जी को दे रहा हूँ, जो चाहे वो मेरे संग अपने शरीर को स्वस्थ होने के लिए करें।